संसार की कुछ चीजें हैं जिसमें बदली नहीं चलती। पहला भोजन। ऐसा हो सकता है भाई मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे बदले का भोजन कर लो, मेरा पेट भर जाएगा। हो सकता है ऐसा? नहीं, खुद को ही करना पड़ेगा। दूसरा शादी। कोई कहते बहुत जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम ले लो, मैं दोस्त तुम मेरे, फेरे ले लो फिर मैं आ जाऊंगा। कर सकते ऐसा? नहीं। तीसरा मृत्यु। मेरे घर में शादी है भाई, मेरे बदले तुम मर जाओ, कोई मरेगा। और चौथा सत्संग। सत्संग में भी बदली नहीं चलती है, ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है। ये बात मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है, हम इतनी पूजा पाठ नहीं करते, काम करते हैं, पत्नी करती है, उसके बदले का हमें मिल जाता है, कुछ भी नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। मैं सच्ची कह रही हूं, वो जो कर रहे हैं सब उनको मिल रहा है। सत्संग में बदली नहीं चलती। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद तुम स्वर्ग जाना चाहते हो कि नरक? उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? स्वर्ग। आप कहां जाना चाहेंगे? स्वर्ग है ना, लेकिन उसके लिए तो मरना पड़ेगा। तो भगवान कहते खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला, उसके लिए भी मरना पड़ेगा पहले तुम्हें। मरने से सबको डर लगता है। तो भगवान कहते हैं अगर कल्याण करवाना है, मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, तो सत्संग तो करना पड़ेगा। वो किसी और के भरोसे छोड़कर रखोगे तो कैसे चलेगा? हमने हर चीज को मर्यादा दी है जीवन में, हर चीज को, काम को, रिश्तों को, मनोरंजन तक को हमने मर्यादा दी है। मर्यादा यानी नियम अनुसार कि हफ्ते में संडे का दिन मस्ती का दिन है। तो सोचिए हमने मनोरंजन तक को इतनी मर्यादा दी है कि उसका भी दिन निकाला है, सत्संग को कोई मर्यादा नहीं है। कथा होती है समय है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। पूजा पाठ भी काम के अनुसार, अगर काम नहीं हुआ, समय मिल गया तो कर लिए, नहीं तो पूजा को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इतना जरूरी नहीं समझा गया इसको। और बच्चे यही देखते हैं। हम क्यों कहते आजकल के बच्चे भगवान को मानते नहीं है, उनको बताया ही नहीं जा रहा कि ये जरूरी है। हर चीज को इतनी मर्यादा दे दी गई है बच्चों के लिए कि भाई ट्यूशन इतने समय जाना है, ये इतने समय करना है, खेलकूद भी जरूरी है, इतने समय खेलकूद के क्लासेस है तुम्हारी सत्संग के लिए। ना उसे खुद को कुछ सिखाया जा रहा है, ना उसके माता पिता उसे ऐसे करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं भाई इतना समय हो गया, इतने बजे तो पूजा करनी ही है। तो बच्चा भी देखकर सोचेगा कि जैसे ये सब जरूरी है, ये भी जरूरी है, पर उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो उसको लगता है दुनिया में हर चीज जरूरी है, वो इतना जरूरी नहीं है, वो जब काम पड़े तो ही करना, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। और फिर हम कहते हैं बच्चे मानते नहीं, बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चे भगवान को नहीं मान रहे। एक बार ट्रेन से एक माँ और बेटी जा रहे थे, छोटी सी बच्ची है और भी कई लोग हैं, सब बैठे हैं। तो लोगों ने देखा कि वो बच्ची किताब पढ़ रही है, छोटी सी बच्ची किताब पढ़ रही है। बाकी माताओं को बड़ा, उन्होंने उसकी माता से पूछा कि आपने कैसे इसे सिखाया किताब पढ़ना, हमारे बच्चे तो फोन ही नहीं छोड़ते, आईपैड नहीं छोड़ते, दिन भर उसी में लगे रहते हैं और वो किताब पढ़ रही है, हम भी उसे सिखा। बोले हमें पता है आपने सिखाया होगा कि किताब पढ़ना चाहिए, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, पर वो तो मानते ही नहीं। उस माता ने जवाब दिया बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। मैं उसके सामने दिन भर किताब पढ़ती रहती हूँ, इसलिए वो भी किताब पढ़ती। आप कितना ही बोलकर समझा दीजिए ये करो वो करो, लेकिन जब तक आप उन चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो जो देखते हैं वो ही सीखते हैं, सुनते नहीं है बच्चे। तो भगवान ने कहा
कि जैसे सांसारिक चीजों में इतनी तुमने मर्यादा रखी है, सत्संग में भी मर्यादा रखो। अगर इतने बजे पूजा का नियम है तो आंधी तूफान आ जाए, इतने बजे पूजा होगी, कैसे भी होगी।